पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को आज मुरादाबाद के आईएफटीएम विश्वविद्यालय में श्रद्धांजलि सभा कर श्रद्धांजलि दी जा रही थी। श्रद्धांजलि सभा समाप्त होने के बाद बीएचएमसीटी प्रथम वर्ष के छात्र मोहम्मद अब्बास पुत्र हैदर अली निवासी शाह फरीद थाना नौगांवा सदात अमरोहा ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस दौरान हंगामा हो गया। यूनिवर्सिटी प्रबंधक ने छात्र को सस्पेंड कर उसके खिलाफ तत्काल पुलिस में तहरीर दी है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपी को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। आईएफटीएम यूनिवर्सिटी में एक उनकी ओर से एक तहरीर थाना पागवाड़ा को प्राप्त हुई है, जिसमें एक मोहम्मद अब्बास सनाफ हैदर अली जो नौगांव सादात अमरोहा का रहने वाला है, जो आईएफटीएम यूनिवर्सिटी में बीएचएमसीटी फर्स्ट ईयर का छात्र है, जिसके खिलाफ तहरीर दी गई है कि आपत्तिजनक नारेबाजी कर रहा था, जिसके संबंध में पागवाड़ा पर उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और उसको जेल भेजा जा रहा है। किस तरह का नारेबाजी इसके द्वारा करी जा रही थी? क्या देश विरोधी नारे उसमें लगाए जा रहे थे? क्या तहरीर दी गई है कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से? यूनिवर्सिटी की तरफ से ये तहरीर प्राप्त हुई है कि ये कुछ आपत्तिजनक नारेबाजी कर रहा था, जिसके संबंध में हम लोग उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिए हैं और छात्र को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है।